हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एकाकी व्यवसाय की विशेषताएं, जिसमें हम दो विशेषताएं पढ़ लिए थे। आज हम एकाकी व्यवसाय की तीसरी विशेषता पढ़ेंगे और तीसरी विशेषता है नियंत्रण। एकाकी व्यवसाय में हमेशा जो नियंत्रण होता है वह अकेला व्यवसायी होता है। संपूर्ण जो नियंत्रण करता है, संपूर्ण जो कार्य करता है, एकाकी व्यवसाय में अकेला व्यवसायी ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह स्वयं ही एकाकी व्यवसाय से संबंधित कार्य करता है, इसलिए इसमें जो नियंत्रण का कार्य है वह भी अकेले व्यवसायी का ही होता है। देखिए, जैसे एकल स्वामित्व व्यवसाय, एकल स्वामित्व व्यवसाय, एकल स्वामित्व व्यवसाय के संचालन एवं एकल स्वामित्व व्यवसाय के संचालन एवं संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय उसके संबंध में निर्णय उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार निर्णय लेने का पूरा अधिकार उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है। एकल स्वामी के पास होता है, एकल स्वामी के पास होता है, वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप, वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप, वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को छेप के अपनी योजनाओं को अपनी योजनाओं को लागू कर सकता है तथा अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार निर्णय में बदलाव कर सकता है। इसलिए उसका अपने व्यवसाय पर अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, एकाकी व्यवसाय की जो चौथी विशेषता है वो हम पढ़ रहे हैं। चौथी विशेषता में बताया गया है कि एकाकी व्यवसाय से संबंधित जो नियंत्रण है वो एकाकी व्यवसाय में जो नियंत्रण है वह अकेले व्यवसायी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि अकेला व्यवसायी ही एकाकी व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के जो निर्णय हैं वो लेता है। उसको अपने निर्णय लेने में किसी दूसरे व्यक्ति से हस्तक्षेप करवाने की आवश्यकता नहीं है। वह जब चाहे जैसा चाहे अपने निर्णय को बदल सकता है और अपने निर्णय में सुधार कर सकता है। देखिए, एकल स्वामित्व व्यवसाय के संचालन, संचालन का मतलब क्या है? उसको चलाना, किसको? एकल व्यवसाय को। उसके संचालन एवं उसके संबंध में, एकल व्यवसाय से संबंधित जो स्वामित्व है
उसके संचालन से संबंध में निर्णय लेने का जो पूरा अधिकार है, निर्णय लेने का जो संपूर्ण अधिकार है वह एकल स्वामी के पास होता है। सभी प्रकार के जो निर्णय हैं वे अकेला स्वामी ही लेता है, उसमें वह किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करता है। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को लागू कर सकता है। एकाकी व्यापार में जो व्यापारी है वह दूसरों के बिना हस्तक्षेप के उसके निर्णय में किसी भी प्रकार के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो वह दूसरों के हस्तक्षेप के बिना अपनी योजनाओं को लागू कर सकता है, अर्थात जो अपनी योजनाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। इसके लिए उसे दूसरों से किसी भी प्रकार की जो सलाह है वह लेने की आवश्यकता नहीं है, तथा अपनी इच्छा के अनुसार वह व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार जब जैसा चाहे वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने निर्णय में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, अर्थात अपने निर्णय को सुधार सकता है। इसलिए उसका अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसीलिए एकाकी व्यवसाय में व्यवसायी का अपने व्यवसाय के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, वह जैसा चाहे जिस प्रकार का चाहे निर्णय ले सकता है। इसलिए उसका अपने व्यवसाय के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो यह एकाकी व्यवसाय की चौथी विशेषता है, नियंत्रण। एकाकी व्यवसाय पर प्यारे विद्यार्थियों नियंत्रण किसका होता है? अकेले व्यवसायी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह अपने जो स्वयं के निर्णय है वह स्वयं निर्णय लेता है, उसमें इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो बिंदु है वो देखिए, पांचवा बिंदु। विशेषताओं में हमने चार विशेषताएं अभी तक पढ़ी हैं, अब हम पांचवी विशेषता पढ़ेंगे, और पांचवी विशेषता एकाकी व्यवसाय से संबंधित है। वो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं एकाकी व्यापार में व्यापार का या व्यवसाय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात एकाकी व्यापार में जो व्यापारी है वह यदि मर जाए, पागल हो जाए, पागल होना, दिवालिया होना, पागल होना, दिवालिया होना या मृत्यु की दशा में या जेल में बंद होने की दशा में व्यवसाय भी बंद हो जाता है, व्यवसाय भी बंद हो जाता है। इसलिए जब तक व्यापारी जिंदा है, जब तक व्यापारी स्वस्थ है, जब तक व्यापारी दिवालिया नहीं हुआ है या उसकी मृत्यु नहीं हुई है या वह जेल में बंद नहीं हुआ है, तब तक व्यवसाय चलता रहेगा। यदि एकाकी व्यवसाय में व्यवसायी की मृत्यु हो जाती है, व्यवसायी पागल हो जाता है, व्यवसायी दिवालिया हो जाता है या किसी कारणवश वह किसी मुकदमे में हार करके यदि जेल में चला जाता है तो व्यवसाय है वह भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसलिए एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय का जो अस्तित्व है वह व्यवसायी के ऊपर निर्भर करता है। व्यवसायी यदि जिंदा है, व्यवसायी यदि सही है, व्यवसायी अगर दिवालिया नहीं है तो व्यवसाय चलता रहेगा, अन्यथा व्यवसाय बंद हो जाएगा। जो कानून है उसकी दृष्टि में, कानून की दृष्टि में व्यवसाय वह व्यवसायी दोनों में अंतर नहीं है, व्यवसाय वह व्यवसायी दोनों में कानून किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता है।
यदि व्यवसायी है तो व्यवसाय है और व्यवसाय है तो व्यवसायी है। इसलिए एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है। इसका अस्तित्व व्यवसाय का है वह किस पर निर्भर करता है? व्यवसायी के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात जो कानून है वह दोनों को, व्यवसाय को भी और व्यवसायी को भी क्या मानता है? एक ही मानता है। कानून की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी एवं एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है। एकाकी व्यापार में कानून की दृष्टि से एकाकी व्यापारी और उसके व्यापार में किसी भी प्रकार का जो अंतर है वह नहीं है, क्योंकि एकाकी व्यवसाय में, क्योंकि एकाकी व्यवसाय में, क्योंकि एकाकी एकाकी व्यवसाय में, व्यवसाय में व्यवसाय का अपने स्वामी से, एकाकी व्यवसाय में, व्यवसाय में व्यवसाय का अपने स्वामी, व्यवसाय का अपने स्वामी से अलग कोई अस्तित्व, स्वामी से अलग कोई अस्तित्व कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए एकाकी व्यवसाय में, एकाकी व्यवसाय में, इसलिए एकाकी व्यवसाय में सभी कार्यों के लिए, सभी कार्यों के लिए एकाकी व्यवसाय में सभी कार्यों के लिए व्यवसायी को ही, को ही व्यवसायी को ही उत्तरदायी, ठहराया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। इधर ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, एकाकी व्यवसाय की जो पांचवी विशेषता है वह विशेषता है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एकाकी व्यवसाय में जो व्यवसाय है उसका जो अस्तित्व है वह स्वतंत्र नहीं होता है। एकाकी व्यवसाय में जो व्यवसायी का अस्तित्व है वही ही व्यवसाय का अस्तित्व होता है। यदि एकाकी व्यवसाय में व्यवसायी के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ पर जो व्यवसायी है उसका जो व्यवसाय है वह भी समाप्त हो जाता है। देखिए क्यों हो जाता है? क्योंकि कानून है वह एकल व्यापारी और उसके व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय का अपने स्वामी से, एकाकी व्यवसाय में जो व्यवसायी है उसका अपने स्वामी से अलग कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात उसका स्वामी यदि जिंदा है, स्वामी यदि ठीक है तो व्यवसाय भी ठीक रहेगा, और यदि उसका स्वामी पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर व्यवसाय का जो अस्तित्व है
वह भी समाप्त हो जाता है। स्वामी से अलग कोई भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात स्वामी का अस्तित्व है तो ही व्यवसाय का अस्तित्व होगा, अन्यथा उसका जो अस्तित्व है वह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए एकाकी व्यवसाय में सभी कार्यों के लिए व्यवसायी को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसलिए एकाकी व्यवसाय के अंदर जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों के लिए अकेले व्यवसायी को ही क्या किया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब हम देखते हैं एकाकी व्यवसाय की आगे वाली जो विशेषता है वो हम देखते हैं कौन सी है। आगे जो व्यवसाय की विशेषता है, छठी विशेषता है, वो है व्यावसायिक निरंतरता। व्यावसायिक निरंतरता व्यावसायिक निरंतरता का अभाव व्यावसायिक निरंतरता का अभाव एकाकी व्यवसाय में जो व्यावसायिक निरंतरता है उसका भी अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय का अस्तित्व क्या नहीं है, पृथक अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका जो अस्तित्व है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, वह उसके स्वामी के ऊपर निर्भर करता है। यदि स्वामी सही है, स्वामी स्वस्थ है तो उसका व्यवसाय निरंतर रूप से चलता रहता है। यदि स्वामी की मृत्यु हो जाती है, स्वामी पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है तो व्यवसाय क्या हो जाता है, व्यवसाय भी बंद हो जाता है। इधर ध्यान देंगे, इसलिए एकाकी व्यवसाय में व्यावसायिक निरंतरता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और वो किस कारण से पाया जाता है, अस्तित्व पृथक नहीं होने के कारण से पाया जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय, एकल स्वामित्व व्यवसाय, एकल स्वामित्व व्यवसाय में एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यवसायी में उसके व्यवसाय का व्यवसायी वह उसके व्यवसाय का व्यवसायी व उसके व्यवसाय का एक ही अस्तित्व, एक ही अस्तित्व होता है, एक ही अस्तित्व होता है। इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु, इसलिए एकल, इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु पागल, मृत्यु पागल होने पर या जेल में पागल होने पर या जेल में बंद होने, जेल में बंद होने पर इसका प्रभाव, इसका प्रभाव सीधा व्यवसाय पर पड़ता है, पड़ता है और हो सकता है कि व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। ध्यान दें, व्यावसायिक निरंतरता का अभाव एकाकी व्यवसाय में जो व्यवसाय का अस्तित्व है वह हमेशा एकाकी व्यवसायी के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि एकाकी व्यवसायी या व्यवसाय का जो स्वामी है उसकी मृत्यु
पागल होने या जेल में बंद होने या दिवालियापन की स्थिति होती है तो उस समय व्यवसाय है वह बंद हो जाता है। इसलिए इसमें जो छठी विशेषता है वह है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव, अर्थात यह जो व्यवसाय है वह निरंतर नहीं चल सकता है। इसका जो अस्तित्व है वह अस्तित्व इसके व्यवसाय के ऊपर ही निर्भर करता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण। एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण। एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुणों में पहला जो गुण है वो है शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय का जो पहला गुण है जिसको हम लाभ भी कह सकते हैं और वो लाभ है शीघ्र निर्णय लेना। शीघ्र निर्णय क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि एकाकी व्यवसाय में जो व्यवसायी है वह व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के जो निर्णय हैं वह स्वयं अकेला ही लेता है। उसे अपने निर्णय लेने में किसी भी दूसरे पक्षकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं व्यवसाय से संबंधित वो शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। यदि उसको अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है या कुछ चेंज करना है तो उसके लिए वह अपनी शीघ्रता से निर्णय ले सकता है। देखिए एकल स्वामित्व व्यवसाय का स्वामी अकेला, एकल स्वामित्व व्यवसाय का स्वामी अकेला अकेला व्यक्ति होता है तथा वह व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय अकेला ही लेता है। इसलिए इसमें निर्णय लेना आसान होता है पहला गुण है शीघ्र निर्णय। एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यवसायी है वह स्वयं अकेला ही निर्णय लेता है, इसलिए वह अपने जो निर्णय है वो शीघ्रता से ले सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।